सुंदरनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनलाल ठाकुर ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वीरवार को उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वोट मांगे व नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को सुंदरनगर में पिछले 5 सालों में करवाए विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाया। सुंदरनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनलाल ठाकुर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने दौरे में टाली गांव में आयोजित नुक्कड़ सभा में लोगों को सुंदरनगर में पिछले 5 सालों से करवाए विकास कार्यों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने आने वाले समय में क्षेत्र के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से झूठे वायदे कर अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, जो आज दिन तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा शुरू की गई बेहतरीन योजनाओं को भी आज केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं महंगाई की वजह से। एक सबसे सस्ती दाल हुआ करती थी चने की दाल, वो चने की दाल आज जो कांग्रेस के समय में 25 या 30 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं थी, वो आज 100 और 120 रुपए बिक रही है। तो ये बातें, ये प्रमुखता से बातें हमने मोदी सरकार की यहाँ लोगों से कही। और मोदी सरकार ने जो कांग्रेस की बड़ी बहुत अच्छी योजना आम आदमी के लिए थी मनरेगा, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार हमारे ग्रामीण निवासियों को मिलता था, आज ये योजना बंद होकर रह गई है। पिछले 2 साल से मनरेगा के तहत, जैसा कि मैंने आपने भी सुना होगा यहाँ इन लोगों से, इन्होंने खुद कहा कि हमारा पिछले 2 सालों से मनरेगा का काम बंद पड़ा है, कोई मनरेगा के काम नहीं लग रहे हैं। तो लोग बहुत सर प्रभावित हुए हैं केंद्र सरकार की गलत नीतियों से, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।